होगी। ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की बात भी सामने आ रही है। बड़े पैमाने पर रोजगार के द्वार खुलेंगे। झारखंड में 70 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास होगा। सरायकेला में अर्का जैन यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी होगा। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं जमशेदपुर में सभास्थल का, जहां पर हमारी सहयोगी अन्नी अमृता सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। अन्नी, आज बड़ा दिन है झारखंड वासियों के लिए। यहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आएंगी। उसके बाद कार्यक्रम का आगाज होगा। युवाओं को उम्मीद है कि इसके बाद रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी, लोगों को बाहर रोजगार की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा, निवेश बढ़ेगा। क्या कुछ जानकारी आपके पास, बताइए अन्नी, और इसके अलावा कार्यक्रम क्या कुछ है ये भी बताइए। थोड़ी देर में लगभग 11:30 बजे का जो समय होता है, उस वक्त सीएम और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो मुख्य अतिथि इस समारोह के, वो पहुंचेंगे और कुछ देर के बाद ही 70 कंपनियों का शिलान्यास किया जाएगा। और साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि 2 कंपनियों का उद्घाटन भी है, ताकि ये संदेश जाए कि शिलान्यास का मतलब ये नहीं है कि कोई योजना आई और हमने शिलापट समारोह का आयोजन कर दिया और फिर वो धरातल पर नहीं उतर पाएगी। इसका मतलब है कि 2 इनॉग्रेशन के साथ सरकार ये बताना चाहती है कि आने वाले दिनों में ये जिनके 70 जो शिलापट आज यहाँ लोग देखेंगे, वो जमीनी धरातल पर वो कंपनियां भी उतरेंगी। ये जरूर है कि इससे लाखों रोजगारों का सृजन नहीं हो रहा है आज के समारोह से, लेकिन छोटे छोटे सेक्टर और छोटी छोटी कंपनियों की बदौलत प्रत्येक कंपनी में लगभग 200 से 300 से लेकर 500 हजार तक की नौकरियों का सृजन होगा इसके माध्यम से। दूसरी बात है कि आज जो ये शिलापट समारोह हो रहा है, उसमें कुछ एजुकेशनल हब के बारे में बातें की जाएंगी और उसमें भी कुछ शिलान्यास होंगे, जिसमें अभी आप बता रही थी सरायकेला में जो अर्का जैन यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हो जाएगा, तो कुछ शिलान्यास समारोह भी होंगे जो एजुकेशन हब से संबंधित होंगे। दूसरे, फूड प्रोसेस पे काफी ध्यान दिया गया है, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कई कंपनियों का आज यहाँ शिलान्यास होगा। सीमेंट के क्षेत्र में भी कुछ निवेश हो रहा है जिसका शिलान्यास होगा। ऐसी इसी तरह से स्मॉल सेक्टर्स की ही ज्यादातर कंपनियां हैं, लेकिन ये छोटी छोटी कंपनियां ही स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ेंगी और जब स्थानीय लोग रोजगार से जुड़ेंगे तो जाहिर है वो बाहर पलायन नहीं करेंगे। अगर कुछ हजार लोग भी आने वाले कुछ महीनों में बाहर पलायन नहीं करते हैं, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत झारखंड के लिए होगी।